मानना मामले में राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि कांग्रेस चौकीदार चोर है के बयान पर टिकी है। सिंघवी ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में बताया कि राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में कहा है कि वो एक राजनीतिक अभियान चला रहे हैं और आगे भी चलाते रहेंगे। सिंघवी ने कहा कि हमने एफिडेविट में कोर्ट के हवाले से चौकीदार चोर है पर खेद व्यक्त किया है। वहीं पर पॉलिटिकल स्लोगन को हम जारी रखेंगे क्योंकि यह दोनों जुमले मिक्स हो गए थे, इसलिए हमने कोर्ट के हवालों से चौकीदार चोर है पर खेद प्रकट किया है। एक्सप्लेनेशन मांगा गया था उच्चतम न्यायालय द्वारा राफेल केस के संदर्भ में, जिसमें माननीय राहुल गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था। हमने वो विस्तृत और व्यापक एक्सप्लेनेशन, शब्द एक्सप्लेनेशन उच्चतम न्यायालय का है, कल फाइल कर दिया था। आज उसकी सुनवाई थी। हमने संबोधित किया और निवेदन किया उच्चतम न्यायालय से 3-4 बिंदुओं पे, जिसको मैं संक्षेप में आपके सामने रख दूं। एक बिंदु ये था कि पिछले वर्ष डेढ़ वर्ष से अखिल भारतीय स्तर पे एक व्यापक राजनीतिक कैंपेन चल रही है, कांग्रेस द्वारा, राहुल गांधी द्वारा, विभिन्न पार्टियों द्वारा, कि राफेल विषय में बहुत बड़ी गंभीर गड़बड़ी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री से माननीय वरिष्ठ